एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, ये कहता है स्प्लिट 69 टू 3 पार्ट्स ऑफ एपी, 69 को एपी के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो लेट नंबर मांग लिया हमने ए माइनस डी, एपी के 3 नंबर कल बताया था हमने ए माइनस डी ए प्लस बी। अब कहता है कि तीनों पार्ट्स का जो सम होना चाहिए बेटा ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, इनका सम आपसे दे रखा है 69, तो यहाँ से डी से बी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 69, तो a की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, डिवाइड 69 थ्री पार्ट ऑफ AP सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट। अब इसमें स्मॉलर पार्ट कौन सा है बेटा, ये दो बचेंगे स्मॉलर पार्ट, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट दे रखा है वो 483 दे रखा है बेटा, a की वैल्यू 23 माइनस डी, a की वैल्यू 23 इज इक्वल टू 483, 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 अपॉन 23, 21 आएगा, इसको राइट साइड लेके आएंगे, माइनस डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 2, तो डी की वैल्यू 2 आ गई बेटा, 823 और डी 2 है, तो नंबर क्या क्या हो गए, पहला नंबर 23 माइनस 2 हो गया, दूसरा 23 और तीसरा 23 प्लस 2 हो गया, तो नंबर आएंगे आपके 21 23 और 25 ही आपके नंबर आएंगे। 24 क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है बेटा आपसे, कहता है कि द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड एपी के अंदर दे रखी है, तो लेट कर ली हमने साइड मान ली इस राइट एंगल ट्रायंगल्स की, ये आपने इनमें से कोई भी आप एक ए एक ए माइनस डी और जो हाइपोटेन्यूज होगा बेटा वो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपकी ए प्लस बी होगी, आप इसको ए मान सकते हो इसको आप ए माइनस डी भी मान सकते हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड एपी में बता रखी है तो ए माइनस डी ए ए प्लस बी होगी। ठीक है बेटा, अब प्रूव करना है कि साइड आपकी 3:4:5 में आएगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, तो यहाँ से आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेटा, इसको सोल्व करोगे यहाँ से भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 280 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इसको बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 280, तो यहाँ से बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कैंसिल, इसको राइट साइड ले जाओ तो 280 प्लस 280 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 480 आ गई, एक ए कैंसिल कर दिया तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 480, तो साइड क्या होगी, साइड आपके पास आ गई यहाँ देखिए आप 4d माइनस d होगी बेटा, ये आपकी 4d थी और ये आपकी 4d प्लस d होगी, तो जो आपकी साइड आ रही है वो आपकी 3d 4d और 5d की फॉर्म में आ गई, तो इनका रेशियो लेंगे बेटा 3d रेशियो 4d रेशियो 5d, अगर रेशियो में लेते हैं तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 3:4:5 आ जाएगा बेटा। 25 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कहता है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास चार एंगल होंगे बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या माने जाते हैं, आपसे बताया था चार जब एंगल होंगे तो क्या क्या माने जाएंगे एंगल, लेट एंगल इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल्स में आपसे माने जाएंगे ए माइनस 3d ए माइनस बी ए प्लस बी और ए प्लस 3d, ये क्वाड्रिलेटरल्स के चार एंगल माने जाएंगे बेटा आपसे, तो कहता है कि इसमें एक तो क्वाड्रिलेटरल्स की पहली कंडीशन तो ये होगी कि चारों एंगल्स का जो सम होगा, चारों एंगल्स का सम जो होगा वो एक तो 360 होगा बेटा, एक तो पहली कंडीशन तो ये लगा दी आपने, तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो आपका 4a इज इक्वल टू 360, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया a इज इक्वल टू 90। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल जो है बेटा वो डबल है स्मॉलेस्ट का, ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है स्मॉलेस्ट एंगल का, तो ये आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो गया बेटा, ये डबल है स्मॉलेस्ट का, ये स्मॉलेस्ट हो गया,
इसका ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल आ गए बेटा। अब ए की वैल्यू 90 रख दो यहाँ, 90 प्लस 3d इज इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस 3d, सोल्व कर दो, 90 प्लस 3d इज इक्वल टू 180 माइनस 6d आ गया। अब 6d को लेफ्ट साइड गया है, 3d प्लस 60 इज इक्वल टू 180 और 90 को राइट साइड गया है माइनस 90, तो 90 इज इक्वल टू आपका आएगा 90, तो d की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 10। ए 90 डी 10 यहाँ पुट कर देना, आपके चार निकल आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25।